तो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना पैर पसारते जा रहा है। एक दिन में कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। दूसरी तरफ सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। लापरवाही से कोरोना बेलगाम हो चुका है। यहां तक कि सरकारी दफ्तर और अस्पतालों तक कोरोना फैल चुका है। कई अधिकारियों के पॉजिटिव होने की खबर सामने आ रही है। अस्पतालों में डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं, मंत्री भी पॉजिटिव हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में दूसरी लहर के बाद पहली बार एक दिन में 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि जिनके ऊपर इस महामारी से निपटने की जिम्मेदारी है, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। प्रदेश में मंत्रालय के बाद कोरोना ने भोपाल के कई सरकारी दफ्तर और अस्पतालों में पैर पसारना शुरू कर दिया है। बुधवार को राजधानी में कोरोना के 192 नए संक्रमित मिले हैं। 5 जनवरी को भोपाल में कुल टेस्टेड सैंपल में से 3% केस पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें 10 डॉक्टर भी शामिल है। 4 दिसंबर को भोपाल में एक शीर्ष IAS अधिकारी पॉजिटिव हो चुके हैं। सैंपल देने के बाद वे मुख्यमंत्री की मीटिंग में भी शामिल हुए थे। 13 दिसंबर को भोपाल में IAS अधिकारी P. नरहरी पॉजिटिव हुए थे। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना के वर्तमान हालात पर सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, वो भी सुन लीजिए। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लॉकडाउन करने का, बाजार बंद करने का कोई भी प्रस्ताव गृह विभाग पर विचाराधीन नहीं है। इसलिए कोई भ्रम फैलाता है, आप सबसे भी प्रार्थना है उस भ्रम को आप भी कृपा करके दूर करें। लेकिन हम कोरोना मास्क न लगाने पर और सख्ती और जुर्माना बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है और फिलहाल लॉकडाउन पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, शिवराज सरकार ने शुरुआत से ही कोरोना का राजनीतिकरण किया है। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो पूर्व में जब पहली लहर आई तो ये कोरोना को डरोना बता रहे थे। उसके बाद इन्होंने ये सदैव अपनी सुविधा से लॉकडाउन लगाते हैं। आपने देखा अभी जिस दिन पंचायत चुनाव लगा कि पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे, उसी दिन उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया अपनी सुविधा से। और उसके बाद तुरंत इनके गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोलते हैं कि चुनाव जान से बड़े, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आखिर लॉकडाउन कब लगेगा, आखिर कोरोना कितना बढ़ रहा है घट रहा है, इसका सरकार की राजनीतिक मंशा से हमेशा संबंध क्यों रहता है। कुल मिलाकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं कि लापरवाही पर लगाम नहीं लग पा रही है। मंत्रालय और सरकारी दफ्तर से लेकर अस्पतालों तक कोरोना अपना पैर पसार रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों का पॉजिटिव होना बताता है कि सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना गाइडलाइन का सही से पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार को सख्ती बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। टीम न्यूज़ स्टेट।